आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके माइंड में भी एक डाउट है कि सीए कोर्स जो है वो आपके लिए सही है भी या नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि सीए एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में हर कोई सुनता है और कहीं ना कहीं थ्रू आउट द लाइफ एक बार मन में आया होता है कि सीए को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब सीए के बारे में आपने कभी ना कभी रिसर्च करी होगी, वैसे तो आप अभी कर रहे हो, बट हर कोई कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट तो एटलीस्ट इसके बारे में जानकारी लेता ही लेता है और एक ना एक बार सोचता है क्या सीए मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या मुझे सीए करनी चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो में ना हम उसी चीज को बहुत प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैंने कोई दो तीन पॉइंट्स आपको बता दिए बात हो गई, मैं अपने व्यूज जो इतने सारे स्टूडेंट्स के बेस पे या अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि सीए ना एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा करियर है जो आपकी लाइफ बना भी सकता है और पूरी लाइफ आपकी बिगाड़ भी सकता है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, इस चीज को लेकिन सही वे में समझना। अगर आप सीए बन जाते हैं, आपका सीए क्लियर हो जाता है, अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं इतने ज्यादा, तो बट अगर आप सीए बन जाते हैं तो शायद बहुत एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही मतलब सक्सेस है वो। मैं खुद सीए हूं अब तो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। और इसमें ना मतलब आपको रेस्पेक्ट, फेम, मनी, सब चीजें आपको वहां पे मिलती हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए रिजल्ट, अगर मैं रफली ओवर द टाइम फ्लक्चुएट होता है बट मैं प्योरली कहूँ 10% अगर रिजल्ट पासिंग परसेंटेज है तो 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्लियर नहीं होता है और वो एक लेवल पे स्टक रह जाते हैं। क्यों? वो अब ना तो वो सीए है ना वो मतलब सीए बन के आप कुछ हो, बिना सीए बने आप अपने आप कुछ नहीं कह सकते हो, हाफ सीए जैसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली जो कुछ आपने सीखा है उसकी नॉलेज आपको मिलती है और वो काम आती है, ऐसा नहीं है। जो चीजें आपने सीखी हैं वो जरूर आपके काम आएंगी और आपकी सैलरी पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। बट फिर भी बहुत फर्क होता है एक सीए बनने में और ना बनने की जो बीच का गैप होता है उसमें। तो 90% स्टूडेंट्स एक मैं कहूंगा एक पूरे सिस्टम में ना कहीं फंस के रह जाते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। सबसे पहले ना जब हम बात करते हैं सीए के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि सीए क्लियर करने में रफली 5 to 6 years आपको लगते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको अटेम्प्ट्स में क्लियर करते जाते हो। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है बट मैं एक प्रैक्टिकली नॉर्मल बात बता रहा हूँ, 5 to 6 years आप उसको मान के चलिए। इसमें एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसको ये सोचा कि चलो कर लेते हैं हो जाएगा क्लियर। अगर मैं रफली बात करूं तो सुबह से रात तक आपको इस सीए के लिए अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है, चाहे वो फिर आर्टिकलशिप है चाहे वो आपकी स्टडी के बात है। अगर आप ये चाहते हो कि इसके लिए कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करनी है, तो आप कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और अगर ये वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप देख रहे होंगे तो वो वाली वीडियो भी शायद अपलोड हो चुकी है। और जैसा मैंने बताया इसमें पासिंग परसेंटेज काफी डाउन होती है, मतलब आप 5%, 10%, 15% बच्चे पास हो पाते हैं। अगर मैं फाइनल के रिजल्ट की बात करूं, इंटर में पास होना मैटर नहीं करता है, जब तक कि आप फाइनल क्लियर नहीं करोगे आप सीए नहीं बनोगे। तो 10% का एवरेज अगर हम लेते हैं तो 10% पास आउट होना मतलब 90% स्टूडेंट उसमें फेल हो जाते हैं। तो इट डजंट मीन, आई एम नॉट सेइंग कि 90% स्टूडेंट्स में आप फॉल करोगे, तो 10% बच्चे कोई तो पास करते ही है ना, तो आप उन 10% में भी हो सकते हो। बट रियलिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और वैसे एक बात कहूं, गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो मैं शायद मान लूं तो 1% का भी रिजल्ट नहीं रहता है, एक पोस्ट के लिए लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उससे तो बेटर ही रिजल्ट है यहाँ पे सीए के अंदर। मैं आपको ना इस चीज को ऐसे कहूंगा कि आप जब सीए के बारे में सोच रहे हो कि सीए कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है, तो सबसे पहले अपना पर्पस समझिए कि आप ये कोर्स करना क्यों चाहते हैं। इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। प्राइमरीली जो एक मैंने देखा है वो रीजन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं इसलिए आप कर रहे हो, आपका ड्रीम है इसलिए आप कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो कि भाई ऑब्वियसली, मतलब अगर आप ये कहोगे कि कम कर तो मेहनत इसलिए रहे हो, सीए बन तो इसलिए रहे हो कि इसके बाद अर्निंग अच्छी होगी, बट आप कह रहे हो नहीं 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 सर मैं सीए के लिए नहीं, मैं देश की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बन रहा हूँ, झूठ है। देखो आप कोई भी प्रोफेशन करते हो वो एक पर्पस आपका होता है। तो अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, सीए बन रहे हो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी वेलफेयर के लिए सोच रहे हो। बट हाँ, मॉनेटरी पॉइंट भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो पैसे के लिए आप कर रहे हो कि अर्निंग अच्छी होगी, अच्छी लाइफ होगी, किस पर्पस के लिए आप कर रहे हो ये पर्पस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें एक अच्छा रिजल्ट ला पाओगे, क्योंकि आपका अपना मन उसमें नहीं है। अगर आप फेम के लिए कर रहे हो कि मुझे नाम मिल जाए, एक अच्छी लोग रेस्पेक्ट करें, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो पैसे कमाने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 years का एफर्ट देना पड़ता है, उसके बाद
अगर आप में स्किल्स हैं और आपको नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली सीए के बाद अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट हाँ, सिर्फ पैसे के लिए शायद, उसके अलावा भी आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिर्फ 5 साल 6 साल का रिस्क लेना इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। बट अगर ये आपका ड्रीम है, आप रियलिटी में चाहते हो कि ये सारी चीजें हो, मतलब सीए सिर्फ एक पर्टिकुलरली किसी एक एस्पेक्ट के लिए नहीं, ऑल ओवर सबके लिए, नेम कि हाँ मुझे, मेरा अपना नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे, मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, अर्निंग भी एक अच्छी होगी, मैं सोसाइटी की हेल्प भी कर रहा हूँ, आपको शायद फाइनेंस वगैरह में इन चीजों में इंटरेस्ट भी आता है, या सीए के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो इस तरीके के कुछ रीजन है, तो देन डेफिनेटली सीए एक आपके लिए सही चॉइस हो सकती है। और एक सबसे बड़ा ऑप्शन पॉइंट आता है जो हर किसी के मन में आता है और जिसके कारण हम सोचते हैं कि सीए करें या ना करें, वो है कि अगर मैं फेल हो गया तो, 90% स्टूडेंट्स अगर फेल हो जाते हैं और मैं उन 90% में हूं और मैं फेल हो गया तो, देखो अगर आपका ड्रीम है या आपके मन में है कि मुझे सीए करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए। रीजन बीइंग, आप देखो या तो पास होंगे या फेल होंगे, दो ही चीजें होंगी ना। पास हो गए तो बहुत अच्छे, हो सकता है आप कभी ट्राई ना करते ये सोच के कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट अगर आप पास हो गए तो क्या पता आप सीए बन जाए, बहुत। और मतलब देखो नहीं पता चल सकता है कि आपकी, जरूरी नहीं है अपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में मार्क्स लो रहते हैं तो आप सीए नहीं कर सकते, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल कॉलेज में बहुत टॉप पे रहते थे और सीए में फेल हो जाते हैं, और ऐसे बहुत हैं जो वहाँ पे स्कूल कॉलेज में बस फेल हो के पास हुए हैं और सीए बहुत अच्छे से क्लियर कर, तो दोनों रिजल्ट वहाँ पे मिलते हैं। और अगर मैं कहता हूँ आप फेल हो जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, आपके मन में कम से कम एक तसल्ली रहेगी, एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, कल को कोई गिल्ट नहीं होगा किसी की सक्सेस को देखते हुए या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को सीए बनते हुए देखते हुए कि काश मैंने ट्राई कर लिया होता। ये जो काश वर्ड है ना, ये बहुत बुरा शब्द, मतलब एक बहुत गलत फीलिंग होती है जो दुख देती है पूरी लाइफ, तो आपके मन में कम से कम एक सेटिस्फेक्शन होगा, ओके मैंने अपना बेस्ट दिया था, मुझसे क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपना सेकेंड फील्ड, अपना जो भी आप उसके बाद सेलेक्ट करते हो वो ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अगेन आई विल से, अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, आप यहाँ तक देख रहे हो और अब भी आप सोच रहे हो कि सीए सही है या नहीं है, या सीए आपके लिए इतना मैटर नहीं करता है, आप दूसरे ऑप्शंस देखना चाहते हो बाकी, जहाँ पे आपको नेम फेम रेस्पेक्ट्स और पैसा सब कुछ मिले, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी, या मोबाइल ऐप सीए पी गुप्ता के नाम से डाउनलोड करके उसमें बाकी सारी डिटेल्स चेक कर। बाय बाय।